रामपुर की तालीम तरबियत वेलफेयर सोसाइटी की ओर से बरेली गेट स्थित कार्यालय पर कैंप लगाकर जरूरतमंदों को कंबल बांटे गए। इस दौरान जिलाधिकारी अंजन्य कुमार सिंह बतौर मुख्य अतिथि ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करना भगवान की इबादत करने के बराबर है। अगर हम समृद्ध व्यक्ति समाज के कमजोर लोगों का ख्याल रखें और उसकी मदद करें तो इस धरती पर कोई भी व्यक्ति ना तो भूखा सोएगा और ना ही असहाय रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अपने बच्चों के साथ साथ दूसरों के बच्चों का भी ख्याल रखें और अपने घर के साथ साथ अपने मोहल्ले और शहर की भी साफ सफाई रखें। जी हाँ, तंजीम के प्रबंधक फैजल खान लाला ने कहा कि हमारी तंजीम समाज के कमजोर लोगों के लिए काम कर रही है। हमने समाज के लोगों से उनके इस्तेमाल में ना आने वाले अच्छी हालत के पुराने कपड़े मांगे हैं, जिसको पैक करके कैंप के जरिए जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाएगा। लोग बड़े पैमाने पर कपड़े भेज रहे हैं। सभी से अपील है कि जो लोग भी इस मुहिम से जुड़ना चाहते हैं वह हमें पुराने कपड़े, बच्चों के स्कूल बैग, जूते आदि सामान भेज सकते हैं या हमारी टीम आपके घर आकर भी वह सामान कलेक्ट कर सकती है। बहुत जल्द एक और कैंप लगाकर जरूरतमंदों को कपड़े आदि सामान बांटा जाएगा। इस मौके पर फैजल लाला और उनकी टीम ने जिलाधिकारी का आभार व्यक्त किया। जी फैजल भाई, आज आपने कंबल का वितरण किया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, तालीम तरबियत वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आज रामपुर बरेली गेट पर विंटर रिलीफ कैंप लगाया गया है और यहाँ पे बड़े पैमाने पर ऐसे ज़रूरतमंदों को कंबल बांटे गए हैं जो वाकई में बहुत परेशान लोग हैं और जिनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। इस कैंप में जिलाधिकारी महोदय श्री अनंजने कुमार साहब मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे थे और उन्होंने तमाम लोगों से बात भी की और उनको बहुत अच्छा सबक दिया, बहुत अच्छा बात बताई बच्चों को भी और महिलाओं को भी और जो भी ज़रूरतमंद इस कैंप के अंदर आए उन्होंने उनको बहुत अच्छा पाठ पढ़ाया तालीम को लेकर और अपने समाज की जिम्मेदारियों को लेकर। और उसके बाद उन्होंने कंबल बांटे, तमाम लोग बहुत खुश होकर गए हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हम ऐसे ज़रूरतमंदों तक पहुँच सकें जिनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। बहुत जल्द हम एक और कैंप लगाएंगे इंशाल्लाह और उसमें हम लोगों को पुराने कपड़े जो इस्तेमाल में नहीं आ रहे हैं और अच्छी हालत के वो कपड़े उनको वॉश करा के, पैक करा के हम समाज के लोगों से मांगते हैं और उन ज़रूरतमंदों तक पहुंचाते हैं जिनको उसकी ज़रूरत होती है। तो बहुत जल्दी उस कैंप को भी लगाएंगे और उसके अतिरिक्त हम एक कैंप लगाएंगे जिसमें हम हेलमेट बांटने का काम करेंगे और ट्रैफिक रूल्स के बारे में तमाम समाज के लोगों को जागरूक करने का। अच्छा, कितनी महिलाएं थी आज यहाँ मौके पर मौजूद? करीब करीब 100 महिलाएं थी, उसके अलावा बच्चे थे और तमाम समाज के अलग अलग जगह से लोग आए थे, बहुत बहुत दूर से लोग आए थे और जो वाकई जरूरतमंद थे उन तक उनको कंबल दिया गया। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।